बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिस्सा नज़्म जो है वो स्टार्ट करेंगे। हिस्सा नज़्म में सबसे पहले आपकी हम्द। हम्द में हम पहले सबसे पहले इसके जो शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसका तआरुफ़ करेंगे आज। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। 9 बरस के थे कि वालद का इंतकाल हो गया। वालदा दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। बड़े भाई ख्वाजा अमदाद हुसैन इंस्पेक्टर थे। 2 बहनें थीं, इन्होंने हाली की परवरिश की। इब्तदाई तलीम में कुरान पाक, फारसी और अरबी कुतब पढ़ी। 17 बरस की उम्र में सैयदुल इस्लाम उल निसा से शादी हुई। अखराजात का बोझ पड़ा तो हाली दिल्ली चले गए और एक मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। चंद किताबें पढ़ी थी कि घर वाले आकर ले गए। 1852 में जिला हिसार में कलेक्टर के दफ्तर में मामूली नौकरी मिली। 1857 के हंगामे शुरू हुए तो ये नौकरी छोड़कर पानीपत आ गए। इस दौरान मंतक, फलसफा, हदीस और तफसीर की किताबें पढ़ी। रोजगार की फिक्र में फिर दिल्ली गए। नवाब मुस्तफा खां शेफ्ता के बच्चों के उस्ताद मुकर्रर हुए। शेफ्ता की वफात के बाद लाहौर आए तो मोहम्मद हुसैन आजाद से मुलाकात हुई। इनसे मिलकर अंजमन पंजाब के मुशायरों की बुनियाद रखी। बेटा हाली ने 4 मसनवियाँ, बरखा रुत, निशात उम्मीद, मनादर रहमो इंसाफ और हुब्बे वतन लिखी। ये लाहौर से फिर दिल्ली गए और वाइंग्लो अरबिक स्कूल में मुअल्लिम बन गए। साथिया से मुलाकात हुई। सर सैयद अहमद के कहने पर ही मसद्दस मदोजदर इस्लाम लिखी। 1888 में हैदराबाद दक्कन की रियासत की तरफ से वजीफा मुकर्रर हुआ। बाद में मुलाजमत छोड़कर वजीफे पर गुजारा किया। वफात से चंद दिन पहले फालिज का हमला हुआ। 31 दिसंबर 1914 को इंतकाल हुआ। पानीपत में अबू अली कलंदर की दरगाह में दफन हुए। जी बेटा, ये तो था मौलाना मोहम्मद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर तारुफ़, जिन्होंने ये हम जो है वो लिखी है। इसका हम तारुफ़ करेंगे। बेटा इसमें से चंद बातें आपने याद रखनी है कि वो कब और कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, इनकी तसनीफ़ कौन सी है ये, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये हम का जो तारुफ है वो करवाऊंगी, खुलासा इसका जो है। वो सदत हाली मदोजदर इस्लाम के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली अर्ज़ करते हैं कि ए खालिक अर्ज़ो समा, इस कायनात पर तेरा ही कब्जा है। फर्मा बरदार और ना फरमान तेरे हुक्म के सामने मजबूर दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला को जानने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला। अल्लाह के मकबूल बंदों की नगाह में बादशाही लिबास की कोई अहमियत नहीं होती। अल्लाह के दायरे कुदरत में तमाम चीज़ें समा जाती हैं। अल्लाह की कुबरियाई और अजमत का ऐलान आखिर हो के रहेगा। सुबह की ठंडी हवाएं इसी पैगाम को सरेआम कर रही हैं। जी बेटा ये तो था थोड़ा सा हम्द का तारुफ। आपने इसको देखना है और हम जो आपकी नज्म है उसकी आपने रीडिंग करनी है।